ये कानून पावर का नशा, पावर जब आती है तो फिर कुछ नजर नहीं आता, फिर सब जो चाहो वो कर। इट सेज दैट इट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मुस्लिम वुमेन्स राइट्स, बट इट इज टू पुट द मुस्लिम मैन बिहाइंड द बार्स। सिर्फ जेल में भरो आदमी को और कचहरी के चक्कर लगाते जाओ उम्र भर के लिए, ये आपका ट्रिपल तलाक है। आप अगर ऐसा कहते हैं कि हमें इस बिल से वी आर एबॉलिशिंग ट्रिपल तलाक, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कर दिया है। हाउ कैन यू ऑलरेडी ब्रिंग अ लॉ फॉर अ लॉ व्हिच इज ऑलरेडी स्ट्रक डाउन बाय द अपेक्स कोर्ट। थैंक यू प्लीज कंक्लूड। टू ब्रेक मुस्लिम हाउसेस, सेंड मुस्लिम मेन टू जेल, डिस्ट्रॉय मुस्लिम मैट्रिमनी, दिस इज नॉट खाना आबादी, दिस इज खाना बर्बादी। हठ धर्मिता त्यागिए, बिल को इधर उधर करके पास मत करवाइए सर, और मतलब यहाँ मेजोरिटी अपने आने आ जाने दीजिए, मैनेज मेजोरिटी से बिल पास मत कराइए सर। यू आर ओनली प्लेइंग पॉलिटिक्स, दिस इज नो लॉ, नो जस्टिस, नो सिंपैथी, दिस इज प्योर पॉलिटिक्स। न रहे बांस न बजे बंसरी, ये वही विरोध है जिसकी वजह से तीन तलाक बिल हर बार राज्यसभा में जाकर दम तोड़ देता था। सरकार ने नंबर जरूर जुटा लिए, लेकिन इस बार भी विपक्ष के तेवर वैसे ही रहे जैसे पहले दिन से थे, कि तीन तलाक की सजा देने वाला कानून क्यों बनाया जा रहा है। सिर्फ जेल में भरो आदमी को और कचहरी के चक्कर लगाते जाओ उम्र भर के लिए, ये आपका ट्रिपल तलाक है, इसका घोर विरोध हम करते हैं। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के हवाले करिए और सिलेक्ट कमेटी इस पे चर्चा होगी। ट्रिपल तलाक, इन बातों को सरकार बिल लटकाने के बहाने बताती रही। वैसे भी सरकार इस बार पूरा मन बना कर आई थी कि तीन तलाक बिल हर हाल में संसद से पास होगा। इसकी जरूरत पर सरकार का यही तर्क रहा कि सिर्फ कहने से नहीं बल्कि डरने से तीन तलाक बंद होंगे। मतलब तीन तलाक को नाम के लिए गलत कह दो, बाकी जो होता है चलने रहने दो, तो इससे हमारा डिफरेंस है। सेंड मुस्लिम मेन टू जेल, लेकिन विपक्ष का कहना था कि अगर मुस्लिम पुरुष को जेल में डाल दिया जाएगा तो फिर परिवार कौन चलाएगा, पीड़ित महिला को गुजारा भत्ता कौन देगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा था कि तीन तलाक पर सजा का कानून बना दो। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल लॉ के बारे में तो नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटी जजमेंट, क्या मैं माननीय लॉ मिनिस्टर साहब से पूछूंगा, 47 से लेकर आज तक जितनी माइनॉरिटी जजमेंट आए हैं उनको आप लागू करने वाले हैं? माननीय लॉ मिनिस्टर साहब आप कहते हैं कानून कोर्ट ने बताया, 5 साल से लिंचिंग हो रही है पूरे देश में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लॉ कानून बनाइए, तो आपने नहीं बनाया। तो जहां आपको सूट करता है वहां आप सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेते हैं, जहां आपको सूट नहीं करता है वहां सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं आप सुनते हैं। तो जो बार बार आज कह रहे हैं लोग कि सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड कर दिया, तो करने की जरूरत क्या थी? तो गुलाम नबी आजाद साहब, आपने तो आज से 55 साल पहले यह काम किया कि अगर पत्नी के रहते तुम दूसरी पत्नी ले आए, बीवी ले आए, या पति के रहते पत्नी दूसरा पति ले आई, तो मैरिज बिल्कुल गैर कानूनी है और 7 साल की सजा भोगो। तो उस समय तो आपने नहीं कहा कि जेल जाएंगे, सजा होगी, तो काम कैसे चलेगा आपके ट्रिपल तलाक की? सजा वाली बात पर विपक्ष की ओर से ये हमले होते रहे कि सरकार अपने तय एजेंडे के तहत अल्पसंख्यक समाज को ही टारगेट कर रही है। क्या सशक्तिकरण की जरूरत सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को ही है? सशक्तिकरण सिर्फ मुस्लिम वुमन का नहीं है, सशक्तिकरण इंसाफ की जरूरत हिंदू बहनों को भी है, बेटियों को भी है। सशक्तिकरण की जरूरत क्रिश्चियनों और दूसरे पारसी और जैन बहनों को भी जरूरत है। इसलिए अगर ये कानून है तो ये इम्पार्शल है, किसी सेक्शन को या किसी रिलीजन को खत्म करने के लिए कानून नहीं बनना चाहिए। हिंदू पत्नी हो या मुस्लिम पत्नी हो, ये कानून कब लाया? 1983 में। किसकी सरकार थी? की सरकार थी। तो 55 का कानून आपने लाया, आपका अभिनंदन। 61 का डाउरी प्रोहिबिशन आपने लाया, आपका अभिनंदन। 498 है आपने लाया, आपका अभिनंदन।
तो इतने प्रगतिशील काम करने वाले गुलाम नबी आजाद, आपकी पार्टी और आपकी सरकार 1986 में शाहबानों के मामले में आपके कदम क्यों हिलने लगते हैं, ये है बड़े सवाल। इस तीखी बहस के बीच विपक्ष ने ये आरोप भी लगाए कि तीन तलाक का कानून सरकार की राजनीति का खेल है। यहाँ तक कि विपक्ष ने इसे मुस्लिम परिवारों को तोड़ने की साजिश तक बता दिया। This is not khana abadi, this is khana barbadi. You are only playing politics, this is no law, no justice, no sympathy, this is pure politics. अब सर मैं अपने से एक सवाल पूछना चाहता हूँ और इस सदन में रखना चाहता हूँ, ऐसी खातिनों को मैं क्या कहूँ? देशा कानून मंत्री कि तुम इस जजमेंट को मढ़वा लो, मड़वा के घर में टांग दो। यूपी में सर 74, और सर एक बात जान लें, ये हम वो नंबर है जो हम इकट्ठा कर सके, ये नंबर सैकड़ों में और होगा। लेकिन सर अगर पीड़ित होती हुई हमारी मुसलमान समाज की बेटियां बहनें आए तो हम कहें खाली जजमेंट पढ़ा के रखो? और सर आप भी जानते हैं वो पुलिस से जाया करती थी, पुलिस कहती थी हमको कानून में पावर चाहिए, क्योंकि जब तक कानून में पावर नहीं होगा हम FIR दर्ज नहीं कर सकते और कार्रवाई नहीं कर सकते। Today I'm talking about evolution is very important what they have done. लेकिन कानून मंत्री ने सबसे तीखा जवाब कांग्रेस को दिया, जो तीन तलाक पर सजा वाले बिल के विरोध की एक तरह से अगुवाई कर रही थी। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को शाहबानो केस की याद दिला दी। शाहबानो 1986 से लेकर 2019 साराबानो तक कांग्रेस पार्टी वहीं खड़ी है, इसका कारण क्या है सर? लेकिन 2019 में भी शाहबानो मॉडल गाड़ी क्यों चल रही है? 1986 में आपको 400 सीट आई थी और उसके बाद लोकसभा के 9 चुनाव हुए हैं, आपको एक चुनाव में बहुमत नहीं मिला है, इसका ध्यान रखिए आप। क्या कारण है इसका? रिजल्ट ऑफ द डिविजन। अच्छी बात यह रही कि सरकार की कोशिश आखिरकार कामयाब रही, जो पिछली लोकसभा में नहीं हो सका वो इस लोकसभा में हो गया, और संसद के तीन चक्कर के बाद आखिर में तीन तलाक पर सजा वाला बिल पास हो गया। Let the bill be passed. आज तक ब्यूरो।